बसमिल हम शाहिद महमूद लेक्चरर इंग्लिश पंजाब कॉलेज पीर महल डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव स्टार्टेड लिटरेरी टेक्स्ट एनालिसिस एंड टू लेक्चर्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड टॉपिक दैट इज़ रिदम डेफिनेशन ऑफ रिदम वर्ड रिदम इज़ फ्रॉम फ्राम विच मीन्स मेजर्ड मोशन रिदम जो है ये ग्रीक वर्ड रिदमोस से जो है वो इसको ड्राइव किया गया है इसका मतलब मेजर्ड मोशन है रिदम इज अ लिटरेरी डिवाइस डेट डेमोनस्ट्रेट्स दी लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स पर्टिकुलरली इन वर्स फॉर्म रिदम एक लिटरेरी डिवाइस है जो लॉन्ग और शॉर्ट पैटर्न को स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के थ्रू बयान करती है ख़ास तौर पर पोइट्री में टाइप्स ऑफ रिदम। इंग्लिश पोइट्री मेक्स यूज ऑफ फाइव इम्पोर्टेंट रिदम्स। इंग्लिश पोइट्री में पाँच अहम रिदम्स हैं दीज रिदम्स आर ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ट्स एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ईच यूनिट ऑफ दिज टाइप्स इज कॉल्ड फुट हेयर आर दी फाइव टाइप्स ऑफ रिदम फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप आई एम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आप सिंबल जो है वो देख रहे हैं जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब है अनस्ट्रेस्ड और ये स्लैश है इसका मतलब है स्ट्रेस्ड यानी कि आई एम में दो सिलेबल होते हैं यानी कि एक सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज रिदम इट कंसिस्ट ऑफ टू syllables the first of which is not stressed, while the second syllable is stressed. For example, shall I compare the to a summer's day? यहाँ पे हमारे पास first जो I है, ये stressed है, और दूसरे नंबर पर compare, इसमें दो सिलेबल हैं, पहला जो है वो unstressed है, और दूसरा जो है वो stressed है। सेकंड टाइप ऑफ रिदम इज़ ट्रॉकी ट्रॉकी में दो सिलेबल होते हैं पहला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है और दूसरा जो है वो अनस्ट्रेस्ड है अ ट्रॉकी इज अ टाइप ऑफ पोएटिक फूड कॉमनली यूज इन इंग्लिश पोएट्री इट हैज टू सिलेबल्स द फर्स्ट ऑफ विच इज स्ट्रांगली स्ट्रेस्ड वाइल द सेकंड सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड एज गिवन बिलो टेल मी नॉट इन मॉनफुल नंबर्स यहाँ पे टेल इसमें दो सिलेबल हैं एक जो है पहला जो सिलेबल है जो अंडरलाइन किया हुआ है ये स्ट्रेस्ड है और दूसरा जो है वो अनस्ट्रेस्ड है दूसरे वर्ड में नॉट इसमें दो सिलेबल हैं पहला जो अंडरलाइन किया हुआ है ये स्ट्रेस्ड है और दूसरा जो है वो अनस्ट्रेस्ड है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मॉनफुल मॉनफुल में पहला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है और दूसरा जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड है तीसरा नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नंबर्स नंबर में पहला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड है और दूसरा जो है वो अनस्ट्रेस्ड है नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट टाइप इज स्पॉन्डी स्पोंडी में दो सिलेबल्स होते हैं नो सिलेबल्स जो है वो स्ट्रेस्ड होते हैं स्पॉन्डी इज द पोएटिक फुट दैट हैज टू सिलेबल्स विच आर कंजेक्टिवली स्ट्रेस्ड फॉर एग्जाम्पल वाइट फाउंट्स इन दर्ट्स ऑफ सन यहाँ पे जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं सिलेबल्स अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड के नीचे वो स्ट्रेस्ड हैं बाकी जो है वो अनस्ट्रेस्ड हैं नेक्स्ट फोर्थ टाइप इज डेक्टल डेक्टल में तीन सिलेबल होते हैं फर्स्ट जो है वो स्ट्रेस्ड uh, है रिमेनिंग टू सिलेबल्स जो है वो अनस्ट्रेस्ड हैं डेक्टल इज मेड अप ऑफ थ्री सिलेबल्स द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड एंड द रिमेनिंग टू आर नॉट स्ट्रेस्ड सच एज इन वर्ड मार्वलस। मार्वलस में तीन सिलेबल्स हैं पहला सिलेबल जो मार्वलस मॉर्व मॉर है ये स्ट्रेस्ड है और वस जो है ये दो सिलेबल जो हमारे पास अनस्ट्रेस्ड हैं दिस इज द फॉरेस्ट, प्राइमिवल द मर्मरिंग पाइंस एंड द हेमलॉक्स यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं प्राइमिवल और मरमरिंग प्राइमिवल में तीन सिलेबल हैं स्ट्रेस्ड पहला जो सिलेबल अंडरलाइन किया हुआ है ये स्ट्रेस्ड है और दूसरे दो जो हैं वो अनस्ट्रेस्ड हैं इसी तरह मर्मरिंग में तीन सिलेबल हैं पहला जो सिलेबल है जो अंडरलाइन किया हुआ है ये स्ट्रेस्ड है और दूसरे दो जो है वो अनस्ट्रेस्ड हैं वर्ड्स प्राइमिवल एंड मर्मरिंग शो डेक्टर्स इन द लाइन लास्ट टाइप ऑफ रिदम इज एनापेस्ट एनापेस्ट में तीन सिलेबल्स है है। होते हैं पहले दो जो है वो अनस्ट्रेस्ड हैं और तीसरा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है एनापेस्ट आर टोटल अपोजिट ऑफ डेक्टल्स दे हैव थ्री सिलेबल्स वेयर द फर्स्ट टू सिलेबल्स आर नॉट स्ट्रेस्ड एंड द लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड इट वॉज द नाइट बिफोर क्रिसमस एंड ऑल थ्रू दी हाउस यहाँ पे हमारे पास वर्ड है क्रिसमस इसके फर्स्ट टू सलेबल जो है ये अनस्ट्रेस्ड हैं और तीसरा मस मस जो सिलेबल है ये स्ट्रेस्ड uh, है लास्ट पे हम इसको जो है वो कंक्लूड करते हैं इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से डेट आई एम इसमें दो सिलेबल होते हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ट्रॉकी इसमें भी दो सिलेबल होते हैं स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं नेक्स्ट स्पोंडी स्पोंडी में दो सिलेबल्स होते हैं स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड यानी कि स्पोंडी एक ऐसी फॉर्म है जिसके थ्रू जो है बहुत कम पोएट्स ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम किया है सिर्फ टेनिसन है या बाकी कुछ पोर्ट्स होंगे जिन्होंने बहुत ही कम जो है इसको यूज़ किया है टेनिसन अपनी एक पोयम जो है वो उसमें लिखता है ब्रेक 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 उसमें जो है वो तीन सिलेबल्स हैं तीन वर्ड हैं तीनों के तीनों ही जो है वो फर्स्ट सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड हैं नेक्स्ट है डेक्टल स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड यानी कि डेक्टल में पहला सिलेबल जो है वो स्ट्रेस है स्ट्रेस्ड है दूसरे दो जो है वो अनस्ट्रेस्ड इसी तरह एनापेस्ट पहले दो जो है इसमें अनस्ट्रेस्ड है और तीसरा सिलेबल जो है इसमें स्ट्रेस्ड है यानी कि ये भी एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट हैं दिस इज आवर थर्ड टॉपिक डेट वी रिगार्डिंग दिस टॉपिक सेंड मी इन माइक्रोसॉफ्ट टीम ओके जी अल्लाह हाफिज